नमस्कार, आप और मैं कल्पनाथ नमस्कार। भाई हम बात करते हैं इसमें जो मौजूद हूँ आजमगढ़ के ये जो भावरनाथ मंदिर पे मौजूद हूँ इस वक्त। यहाँ पे जो सेटअप लगा है आज उद्घाटन हो रहा है फिल्म का, आज मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है आज के दिन। भावरनाथ मंदिर जो है यहाँ पे पूजन हुआ, यहाँ पे नारियल फोड़ करके जो यहाँ के शुभ मुहूर्त है लोग अपना स्टार्ट किए हैं, आरम्भ किए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की जो फिल्म है, फिल्म का शूटिंग होने वाला है, जो फिल्म का नाम है अफसोस। और क्यों ये नाम पड़ा है अफसोस, अफसोस का मतलब क्या होता है, आइए इससे हम पूछेंगे जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे। पहले हम बात करते हैं जो मेन विलेन का रोल किरदार निभा रहे हैं ये बड़े भाई हमारे हैं, जो इनसे पूछेंगे इनका क्या नाम है और क्यों ये विलेन का रोल निभा रहे हैं किरदार, ये बताइए। नमस्कार, मैं प्रमोद सिंह टाइगर और मैं न्यूज इंडिया को धन्यवाद देता हूँ। हमारे बहुत ही अच्छे आदमी हैं जो कि हमारे हर कार्य पे पहुँच जा रहे हैं और हम लोग का आदर सम्मान रख रहे हैं, तो जो भी पूछेंगे बताएंगे हम। जी, ये जो फिल्म है, ये फिल्म का नाम जो रखा गया अफसोस, ये क्यों अफसोस रखा गया है? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है अफसोस का, और पिक्चर जब दर्शक देखेंगे तभी पता चल पाएगा। मैं छोटा सा बता देता हूँ, बिल्कुल देख सकते हैं कि जो अफसोस नाम पड़ा है बहुत लंबी चौड़ी इसकी कहानी है। बिल्कुल आप देखेंगे तब समझ में आएगा कि अफसोस फिल्म का जो नाम पड़ा है वो क्यों पड़ा है, बिल्कुल लंबी चौड़ी कहानी है। आगे इसी क्रम में हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के रोल किरदार निभाने वाले हैं हमारे बड़े भैया, उनसे हम पूछते हैं जी अपना नाम बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं राधेश्याम वर्मा इस फिल्म में जो है इंस्पेक्टर रोल कर रहा हूँ, और ये कहानी जो है कुछ लंबी छोटी कहानी है, इसमें पारिवारिक नीति है और बहुत अच्छा है। अफसोस क्यों रखा गया है इसके बारे में डायरेक्टर आपको बिल्कुल बताएंगे। अफसोस कोई काम करने के बाद हमें अफसोस होता है कि मेरे से गलत हो गया, उसी को बताया गया है। मैं इस बात को जो है बोलना नहीं चाहता हूँ, जब जैसे इस फिल्म देखेंगे तभी इस बारे में जानेंगे कि क्या बात है क्या बात है। तो ये कहानी अच्छी कहानी है, हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर सलीम सादिक जी हैं जो इससे लगातार मेहनत कर रहे हैं, हम जो है आपका सामने और नंबर बन सकते हैं और फिर क्या कहते हैं प्यार में दम पा और तेज फिल्म करके आए हैं। आप लोग आशीर्वाद क्या रहा तो आगे और भी अच्छी फिल्म बनाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि अपना प्यार आशीर्वाद अफसोस एक्चुअली क्या कि अफसोस इसलिए नहीं बता रहे इसके क्योंकि कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा हटके है। अभी फिल्म में भी शुरुआत होने वाली है, मैं बता दूंगा कॉन्सेप्ट तो कहाँ जा रही है। नहीं नहीं मज़ा तो आएगा, बट क्या काफ़ी लोग क्या कि उससे पहले बना के क्यों पे डाल देंगे वो कॉपीराइट लिख देगा, मामला यहाँ से है। हाँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा बहुत गुप्त में रखा जा रहा है और फिल्म थोड़ा हटके है। और हमारे ये बहुत बढ़िया आर्टिस्ट जेके भैया हैं जो काफ़ी फिल्में इनकी रिलीज हो चुकी है बड़ी बड़ी, आइए मिलते हैं जेके राजी से। जी मैं जेके छोटे भाई हैं, बहुत मानते हैं, बहुत अच्छा है। आपका भी किरदार है जी, मैं इम्पोर्टेंट काम बोलता कर रहा हूँ। अब कैरेक्टर हर चीज़ ओपन नहीं किया था, आइए भैया आइए जो आपको पर्दे में हो धबर धबर किया। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है आइए इधर मिलवा कर समय जाएंगे हैं साजन चल भैया के साथ जुड़ने वाली और आपको गोली मारे साहब। अभी हमारी लेटेस्ट मूवी आ रही है माया और आपकी चांदी सिंदूर हमारे सब रिलीज फिल्में हैं और दो तीन फिल्म आपकी आने वाली है। ये सलीम भाई के साथ बेहतर अफसोस बनाने जा रहे हैं, मज़ा आएगा। इस फिल्म में कम है हमारे जो हीरो हैं राहुल सिंह राठौर जी, प्रमोद सिंह, राधेश्याम वर्मा जी, शत्रुघ्न जी, मजे से काम करेंगे, सब बजे आर्टिस्ट से मज़ा आएगा, यादव धरती पर जमाएंगे।
फिल्म में मजा आएगा, आएगा देखने में भी दर्शकों को मजा आएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो बायोग्राफी है बहुत बेहतरीन है, बताया जा रहा है, बिल्कुल आप देखना ना भूलें। और मैं ये और भैया जी हैं, इनका भी किरदार है इस मूवी में, तो उनसे भी पूछेंगे। जी बताइए। मैं राजेश रंजन, आज इस फिल्म में अफसोस के ये मूवी बहुत विधिवत कुछ दोस्तों के साथ हुआ है और इस फिल्म में बहुत बड़ा सस्पेंस है, अच्छा लग रहा है। आप लोग देखें पारिवारिक फिल्म है, बहुत अच्छा लग रहा। मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों का, पत्रकारों का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जो लोग कलाकारों का प्रोत्साहन करते हैं, आज के दौर में किसी को फुर्सत नहीं, मीडिया भी कोई खाली नहीं है, लेकिन मीडिया के लोगों के अंदर ये भाव है कि कलाकारों को आगे बढ़ाया जाए, कलाकार तरक्की करे। मैं इन मीडिया के लोगों को हार्दिक बहुत लेता हूँ। और हीरो को फिर नौकरी मिलती है, जैसी करनी वैसी करनी है। और ससुरा बड़ा पैसा लाठू में विधायक का करेक्टर है, मूवी से भी आप लोगों को मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। जी जी, मैं जैसा पैसा का जरूरत पड़ता है, नौकरी उसको मिलने वाला रहता है, पैसे की वजह से मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि लोग कभी प्रयास से ना हारें, क्योंकि चापलूस का जमाना हो गया है। चापलूस लोग पहले पहुंच जा रहे हैं या पैसे वाले पहले पहुंच के जुगाड़ लगा रहे हैं, उस जुगाड़ को ही ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि जो पढ़े लिखे हमारे समाज में हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और घुसखोर जो हैं, घुस देने वाले अच्छे पैसे वाले हैं, वो धीरे से पैसा खिला रहे हैं और नौकरियाँ मिल जाती हैं। इसलिए मैं पिक्चर के माध्यम से यह संदेश मैं लोगों को देना चाहता हूँ कि हमेशा सतर्क रहें ऐसे लोगों से, और पैसा आपका बेकार ना जाए। अगर अच्छे कमाई किए हैं तो अच्छे जगह से अच्छे लेवल से जाइए और नौकरी करिए, पढ़ाई लिखाई करिए। ये ना कि हम घुस दे के नौकरी पा जाए और अच्छे लोग ना मिले, जो पढ़ा लिखा हो वो घर बैठ जाए और आपको नौकरी मिल जाए। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो अफसोस मूवी है, इस अफसोस मूवी की सेटअप से मैं एक और मैं बात पूछना चाहता हूँ। जो राज की बात है, आप विलेन के किरदार में बातें हैं, मूछें भी अच्छी है और दाढ़ी भी एकदम भरपम्मा रखे हैं, क्या आप मूवी आपकी ग्राम सभा के लोग और आपके क्षेत्र के लोग देखते होंगे और आपसे डरते हैं कि नहीं? नहीं डरते नहीं, मैं तो बहुत सारा प्यार देता हूँ, बच्चे मुझे और माँ बहन जो भी हैं, बहुत ही अच्छा मेरा व्यवहार है, बहुत अच्छा लेवल है मेरा। जो लोग हमें जानते हैं वो हमें जानते हैं और बहुत ही मानते हैं। शायद हजारों में एक हमारा भी स्थान है कि हजारों में उसमें एक हम अलग इंसान है। इस जमाने में भी ऐसा प्रतीत लोगों को होता है मुझसे मिलने के बाद, बहुत सारे लोग धोखा खा रहे हैं समाज में। मूवी को ही ले लीजिए, मूवियों के चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे खर्च करके और उनको मुकाम नहीं मिला, पिक्चर फ्रॉड करके बस ऐसे ही बना करके और उनको कोई पिक्चर लॉन्च नहीं किए, तो ऐसे लोग भी हमसे मिल रहे हैं। तो उनको भी मैं एक अच्छा संदेश दे रहा हूँ, एक अच्छे लेवल पे हीरो भी बना रहे हैं। पैसे का मतलब निस्वार्थ लोग सेवा करके और लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश हमेशा करेंगे और करते रहे। और कुछ लोग हैं जो इस अफसोस मूवी में काम कर सकता है? नहीं, जो भी व्यवहार कुशल है और अच्छा है, अगर उस लायक है कि ये करेक्टर कर सकता है तो इसका पॉइंट में कोई भी आया, तो मैं यही चाहता हूँ कि उनको भी जरूर एक छोटा से छोटा करेक्टर दिया जाए और उनसे भी मतलब उन्हें भी कुछ रोजगार का अवसर मिले। और या तो रोजगार नहीं करना चाहते, उनका